Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kurtul and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. BS Chemistry 6 semester mein beta hum subject discuss kar rahe hain organic chemistry and today we discuss in lecture number 17 about sigmatropic reactions. सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे जिसमें हमने इसके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से सिग्मोट्रॉपिक जो है रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शंस बेसिकली पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की ही एक टाइप है. ठीक है, तो आज हम इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं कि कितनी टाइप्स के सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शंस हम देखते हैं. तो इसमें बेसिकली थ्री मेजर टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द 1,3 सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सेकेंड इज द 1,5 सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एंड थर्ड इज द 1,7 सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम इस तरह ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं सिंबल्स 1,3 है, 1,5 है या 1,7 है, इसका क्या मतलब है. 1,3 का मतलब ये है कि इसमें 1 और 3 पोजिशन से बेसिकली जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा. ठीक है, 1,3 पोजीशन का मीनिंग ये है. इसी तरह से 1,5 पोजीशन, इसका मतलब है कि जो हमारे पास माइग्रेटिंग ग्रुप है वो 1 पोजीशन से 5 पोजीशन की तरफ माइग्रेट किया है. इसी तरह 1,7 का मीनिंग ये है कि हमारा जो एक ग्रुप है वो 1 पोजीशन से नेक्स्ट जो है वो इनकमिंग 7 पोजीशन की तरफ मूव किया है. इसकी हम डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं. तो नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, सबसे पहले 1,3 सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और इसे हम क्या कहते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट. तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि ये आपके पास क्या है. बेसिकली 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल थर्मली, मींस अगर हम अपने रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री इस तरह से नहीं है कि वहाँ पर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है वो पॉसिबल हो. इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इज सिमेट्री फॉरबिडन इन द सुपरफेशियल मोड, मींस अगर हम सुपरफेशियल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस केस में ये सिमेट्री फॉरबिडन है, मींस इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. एंड 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इज सिमेट्री अलाउड इन एंटेराफेशियल मोड, लेकिन अगर एंटेराफेशियल होगा रिएक्शन होगा तो उस केस में जो है ये सिमेट्री अलाउड है, बट इन इट इन्वॉल्व अ कंट्रोल्ड ज्योमेट्री ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इसी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो इतनी एनर्जेटिक होगी कि उसको हम गेन नहीं कर सकते. होगा क्या होगा, स्ट्रक्चर बेसिकली अनस्टेबल की अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो मूव करेगा. ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि 1,3 का मतलब है कि इसमें जो टोटल है वो 3 मेंबर जो इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हाईली अनस्टेबल है और उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसको गेन करना भी ज़्यादा मुश्किल है. इसलिए जो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है वो बहुत ही रेयर केस होता है कि उसमें हमारे पास हो. चांस है कि फोटोकेमिकली जो है वो रिएक्शन हो सकता है, लेकिन 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर आपको एक जनरल रिएक्शन दिखाया गया है. देखें अगर आप, तो इसमें जो प्रोटोन है आपका वो 1,3 पोजिशन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. अब आपने इसको 1,3 पोजिशन के ऊपर किस तरह से शिफ्ट करवाया है, अगर आप देखें इस डायग्राम में, सबसे पहले यहाँ पर शो किया गया है कि आपके पास ये जो कार्बन है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, अब ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली ये ब्रेक हो रहा है. अब ये ब्रेक हो रहा है, इसको आप कार्बन नंबर 1 देंगे. जो भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा उसको आपने यहाँ पर भी जो है इस एटम को भी 1 असाइन कर देना और इस एटम को भी 1 असाइन कर देना. ठीक है, अब आप ये देखिए 1, 2 एंड 3. ठीक है, मीन्स जो आपके पास जो प्रोटोन है वो कहाँ है, 3 पोजीशन के ऊपर अटैक कर रहा है. अब ये प्रोटोन जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ट्रैवल करेगा, तो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेरी स्ट्रेट. इसमें हिंड्रेंस होती है इसकी जो है ट्रांजिशन स्टेट में. अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें बेसिकली रीजन क्या है कि इस तरह से पॉसिबल यहाँ पे कैसे है. तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको शो किया गया है. ठीक है, यहाँ देखें आपके पास डायग्राम में ये आपको रिएक्शन फोटोकेमिकली रिएक्शन जो है वो शो करवाया गया है. फोटोकेमिकली रिएक्शन में हमने ये देखा 1, 2, 3 है इसमें और प्रोटोन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है. लेकिन इसके अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं तो इसमें देखो 4 मेंबर रिंग जो है वो जनरेट हो रहा है और ये हाईली अनस्टेबल है. इसी ट्रांजिशन स्टेट की वजह से इसकी जो है ट्रांजिशन स्टेट की वजह से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही स्लो होगी फोटोकेमिकली भी.
अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकली रिएक्शन जो है वो सुपरफेशियल रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर देखें, जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं बेसिकली हम इसके जो है वो ऑर्बिटल को अगर हम देखते हैं ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन को, तो यहाँ देखें यहाँ पर हमने होमो यूज किया है एल्कीन का, ठीक है। एल्कीन के होमो में अगर आप देखते हैं तो ये हमने वो होमो यूज किया है जिसमें बेसिकली फोर एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हमने सी एच बॉन्ड का जो है वो लोमो यूज किया है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि हम एक होमो यूज करते हैं और एक हम का हम लोमो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जहां से सिग्मा बॉन्ड यहाँ जहां से ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे न्यू फॉर्मेशन हुई है, आपको पता है थ्री पोजिशन है, तो अगर इन दोनों के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मैच करेगी तो इट मीन्स वहीं पर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने जो है वो इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। तो ये प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 3। अब ये शिफ्टिंग है ये इसी सूरत में पॉसिबल होगी जब इन दोनों ऑर्बिटल्स के फेजेस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है। जब फेजेस सेम होंगे तो इनकी इंट्रैक्शन क्या होगी, सुपरफेशियल। तो ये किस केस में पॉसिबल है, ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है कि इन दोनों के फेजेस क्या हों, सेम हों। इसीलिए हम यहाँ पर जो सी एच बॉन्ड है, ये जो आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका हम लोमो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास जहाँ फॉर्मेशन हो रही है, जो आपके पास ये अल्कीन हमने यूज की है, उसका हम क्या यूज करेंगे, होमो। और इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, वो हमने किसके यूज़ करने हैं, जिस तरह यूज करते हैं 1-3 ब्यूटाडाइन के, यानी कि टोटल 4 उसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। अब देखें जिस तरह आप देखते हैं ना कि इसमें जो है, अगर आप उसकी ऑर्बिटल डायग्राम को देखते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम्स या 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें अगर सारे तो शेडेड हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, वो आपके पास लोमो होता है, और अगर 2 शेडेड हैं और 2 अनशेडेड हैं तो वो क्या होता है, होमो। तो यहाँ पर हमने जो अल्कीन का होमो यूज़ किया है, तो वहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरह से उसकी डायग्राम शो की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, और इसी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हम कहते हैं कि फोटोकेमिकली ये रिएक्शन क्या है, सिमेट्री अलाउड है, और सुपरफिशियल इसमें इंट्रैक्शन होगी जिसमें कोई भी जो है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट इतनी जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है कि ये जो है पॉसिबल इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में थर्मली रिएक्शन परफॉर्म करवाया गया, लेकिन थर्मली रिएक्शन के केस में हम देखते हैं अब आपने क्या यूज करना है, लोमो यूज करेंगे अल्कीन का। तो उस केस में जो आपके पास इंट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन है। जब आप अल्कीन का क्या यूज कर रहे हैं, लोमो यूज कर रहे हैं, तो इस केस में जो है ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप है 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट केस है, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि 1,3 जो है वो फोटोकेमिकली पॉसिबल है, लेकिन 1,5 फोटोकेमिकली पॉसिबल रिएक्शन नहीं है। और इसी तरह से 1,5 जो है वो सिमेट्री अलाउड रिएक्शन है, सुपरफेशियल, और वो हमारे पास सिमेट्री फॉर्बिडन था 1,3 वाला। इसी तरह से बिल्कुल ये जो है इसके ऑपोजिट केस है। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल में अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो 1 और 5 यहाँ पर देखें कि ये आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा आपने उसको जो है नंबर असाइन क्या करना है, उसको 1 नंबर असाइन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल यहाँ पे क्या है कि 5 जो है इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, और आपने ये हेक्सा जो है वो हेक्सा यानी कि 6 वाले ऑर्बिटल हमने यूज करने हैं, उसमें आपने जो होमो होगा वो क्या होगा, हमारा साइज 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है 1-1 के केस में, जबकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर, क्लियर। तो ये 1,5 इसको आप हाइड्रोजन शिफ्ट कह रहे हैं, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, और इसके ब्रेकेज के रिजल्ट में नेक्स्ट ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है ये प्रोटॉन आपके पास अटैच है। नेक्स्ट गेन में जो कॉन्जुगेशन होगी और उसके रिजल्ट में जो है पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। इसी तरह से जो नीचे का आपको एग्जांपल गिवन है उसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, और ये देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये 5 पोजीशन के ऊपर जो है जाकर अटैच हो रहा है, और वहाँ से क्या है ये नेक्स्ट आपके ऑर्बिटल्स जो है उनके पाई बॉन्ड है उनकी शिफ्टिंग हो रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम में, और तो उसके ऑर्बिटल डायग्राम में हम देखते हैं
कि 1,5 किस तरह से जो है वो पॉसिबल है। अब 1,5 के केस में जो आप हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या होता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, क्योंकि 5 तो कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होंगे और इसमें और जो 6 है वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। तो इसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, इसलिए इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल। और जितनी स्टेबल होगी इसका मतलब है कि वो रिएक्शन उतना ही जो है वो फेवरेबल है और इसमें स्टेबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यूज करते हैं कि ये रिएक्शन, हमने कहा था कि थर्मली जो है ये सिमेट्री अलाउड रिएक्शन है। थर्मली के केस में आपने देखा है कि अगर आप होमो यूज कर रहे हैं तो उस केस में 2 ऑर्बिटल्स आपके डाउनवर्ड होते हैं, 2 अपवर्ड होते हैं, 2 फिर दोबारा से डाउनवर्ड होते हैं। तो ये आपके पास जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स अगर हम देखते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग जो हो रही है उनमें केस में दोनों ऑर्बिटल्स क्या है, एक ही पोजिशन के अंदर है, इसलिए ये प्रोटोन थर्मली जो है ये रिएक्शन देगा और ये प्रोटोन इजिली जो है कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 5 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक है थर्ड टाइप, वो आपके पास क्या है, 1,7 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट भी हम इसे बोलते हैं। अब 1,7 जो हाइड्रोजन शिफ्ट है वो भी सेम वैसा ही केस है जैसे हमने डिस्कस किया है 1,3 के केस में, लेकिन इसमें डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये फोटोकेमिकली भी पॉसिबल होगी और ये इसमें सिमेट्री अलाउड रिएक्शन भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये जो आपके पास है 1,7 जो आपके पास हाइड्रोजन शिफ्ट है ये सिग्मा ट्रॉपिक वी अरेंजमेंट है। इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो रही है और उसके जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, हाईली स्टेबल है। लेकिन 1,3 के केस में जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो क्या थी, अनस्टेबल थी। जितनी ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगी इट मीन वो हाई एनर्जी की है और वो प्रोडक्ट भी हाई एनर्जी का देगी। तो इसलिए 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट के केस में सेम यही जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 1,3 के केस में प्रोडक्ट के चांसेस बहुत ही लो होंगे। और इसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसकी एग्जाम्पल में देखें आप तो इसमें हमने हमेशा ट्राईईन यूज़ करनी है जिसमें बेसिकली 3 जो है वो इन्वॉल्व होंगे कार्बन एटम्स, और जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल जो है डबल बॉन्ड 3 इसमें जो है 6 एटम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर जो है वो 7 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है और क्या आपने ये बॉन्ड ब्रेक करना है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें जो है इसमें प्रोटोन को 1 नंबर देंगे और ये आपका कौन सा होगा, ये भी आपका 1 नंबर होगा। तो अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये वाली कार्बन कौन सी होगी, कार्बन नंबर 7। अब जो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा वो कार्बन नंबर जो है 1 से कार्बन नंबर 7 की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट है। और 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है वो फोटोकेमिकली रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इसकी बहुत ही कॉमन जो है वो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट के केस में, ये आपकी जो है वो एक बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है कि इसमें हम किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। तो प्रो विटामिन D2 के केस में ये जो एरिया है यहाँ पर 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट हुई पड़ी है। ठीक है, अब 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट का जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, ये फोटोकेमिकली रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, फोटोकेमिकली रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि ये और प्रोटॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा ये कार्बन नंबर 7 है। ठीक है, 1 इसको आप अगर 7 का नाम देते हैं, 7 है 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब ये जो आपकी एडिफैटिक कार्बन है ये आपके पास है सैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ से प्रोटोन शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, आपके डबल बॉन्ड की तरफ। और हमेशा से ऐसे ही होता है इन केस ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो डायरेक्टली किसी ऐसी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, यानी कि ये जो कार्बन है वो हमेशा सैचुरेटेड कार्बन होगी और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया है हमारे पास अटैच होगा, ये आपके पास कार्बन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगी। तो इस तरह से इनकी शिफ्टिंग होगी, इसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट है ये विटामिन D2 ऑब्टेन होगा और ये बायोलॉजिकली जो है वो इंपॉर्टेंस है, ये फोटोकेमिकली रिएक्शन प्रोसीड करती है। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, फोटोकेमिकली सुप्राफेशियल 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट है, सिंपल। इसमें भी यहाँ पर देखिए नंबरिंग मेंशन है, ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर देखें अगर आप
तो ये कार्बन नंबर 1 के केस में हम देखते हैं ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 7 अब ये जो प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है ये 1 7 के केस में शिफ्ट हो रहा है ठीक है कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 7 की तरफ प्रोटॉन शिफ्ट होगा क्लियर तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो शिफ्टिंग हो रही है उसके वजह से ये सारा पाई कंजुगेटेड सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है सिंपल 1 टू 7 हाइड्रोजन शिफ्टिंग जो है वो दिखाई दे रही है अगर इसको समराइज करते हैं कि आपके पास 3 टाइप्स की जो है हाइड्रोजन शिफ्ट हैं ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस हैं उसमें हम देखते हैं कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है तो 1,3 हाइड्रोजन के केस में हमने कहा कि ये इसमें जो है वो एंटेरा फेशियल है थर्मली ये रिएक्शन अगर हम प्रोसीड करवाते हैं तो ये एंटेरा फेशियल है बट 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट फोटोकेमिकली क्या है इसमें सुप्राफेशियल जो है वो ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि 1,5 के केस में अगर थर्मल रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपको वर्ड मेंशन है ये थर्मल आपने रिएक्शन देखनी है ये थर्मली ये किस तरह से प्रोसीड हो रहे हैं तो 1,5 थर्मली क्या है सुप्राफेशियल शिफ्ट है ठीक है और इसी तरह से 1,7 जो है वो थर्मली क्या है उसमें टेराफेशियल है अब 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट और 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट दोनों सेम है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो फिजिबिलिटी है यानी प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं वो बहुत ही लो होंगे लेकिन इसमें जो है वो प्रोडक्ट के चांसेस मैक्सिमम हैं तो इन दोनों केस में जस्ट ये डिफरेंस है ठीक है हाँ थैंक्स इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर